देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम का उमर पाल कश्यप इस समय मुझे के सिंचाई विभाग में मौजूद है और तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा किया गया और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र गोसी यहाँ पर पहुँचे हैं। अपनी टीम के साथ पूरी टीम यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो पूरी टीम यहाँ का काफ़ी मतलब इसमें सहयोग रहा और इन जो नरेंद्र घोषी यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। नरेंद्र घोषी की सबसे पहले बात पंजाब पंजाब केसरी के माध्यम से और जहाँ तक मेरी दर्शकों तक आवाज़ पहुँच रही हो तो सभी का धन्यवाद करता हूँ। विजय विश्व मिशन तिरंगा हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा और इस प्रकार की भावना से लेकर जो देश प्रेम की भावना है पूरे हिंदी इंद्री क्षेत्र में उत्पन्न हुई और मैं देख रहा था, मेरे को विश्वास था, ये दृढ़ विश्वास था जिस प्रकार से हम गांव गांव जाकर और माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी के नेतृत्व में इंद्री का ऐसा कोई गांव नहीं था जिस तक हम न पहुंचे और आज इंद्री विधानसभा में दिखा दिया कि किसी भी पार्टी से ऊपर उठकर जो लोगों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है वो पहुँच जा और ख़ासतौर से इस यात्रा में शहीदों को तिरंगा सम्मान यात्रा में किसानों का उमड़ना, किसान इतनी भारी संख्या में उमड़े हैं कि प्रत्येक गांव का किसान आज इंद्री में विद्यमान था इस यात्रा में और सभी एक ही निश्चय लेकर और इस यात्रा का जो लक्ष्य था कि प्रत्येक घर तक एक आवाज़ पहुंचे कि देश ही सर्वोपरि है और ये जो कार्य कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है वही कर सकते हैं क्योंकि इनको एक संगठन में एक पाठ पढ़ाया जाता है कि देश सर्वोपरि है और उसके बाद सब चीज़ें आती हैं। आज यात्रा में देखने को आया धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग और सभी प्रकार के लोग इस यात्रा में थे और मैं अपनी तरफ से और किसान मोर्चा की तरफ से सभी राष्ट्र प्रेमी बंधुओं का जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनका अति दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि यह जो जज्बा है देश प्रेम का यह हमेशा लोगों के हृदय में विद्यमान रहे और इसके लिए विशेष बधाई देना चाहते हैं हमारे माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप भाई साहब। जय जवान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे तो टारगेट तो हमारा 2000 था लेकिन उसको भी पार करके अगर पत्रकार महोदय ही बता सकते हैं लगभग ज्यादा नहीं कहूँगा 5 और 7 हजार के बीच में संख्या यहाँ पर रही। इस यात्रा का मकसद एक था जो हमारे शहीद हुए जिनके हमें जिनके बदौलत हमें ये आज़ादी मिली आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं उन शहीदों को मान सम्मान देना और उन ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं और जो युवा है वो प्रेरणा ले कि हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे जो शहीद थे वो इस प्रकार थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। मेरे सामने सिलेंडर तो मन में तो थी लेकिन हमारे मन में नहीं। इंद्री विधानसभा में लगातार मेरे पास किसान मोर्चे की जिम्मेदारी है और 5 विधानसभा में मेरा लगातार आना जाना लगा रहता है। किसान हमेशा राष्ट्रहित में खड़ा है और किसान कभी भी राष्ट्रहित से विरुद्ध जाकर सोच भी नहीं सकता और जब राष्ट्र की बात आती है तो किसान का बेटा ही जाकर शहीद होता है सेना में और इसी वही जज्बा आज यहाँ पर किसानों को देखने को मिला। मैं संदेश देना चाहूँगा इस मौके पर सबसे पहले तो मैं सभी का जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनका दिल की गहराइयों से किसान मोर्चा की तरफ से अभिनंदन करता हूँ और मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो ये भावना देखने को मिली है ये जज्बा बरकरार रहना चाहिए और ये बना रहना चाहिए यही राष्ट्रीय में सब इस विजय तिरंगा हमारा भी घंटा ऊंचा रहा और करता मौज होता है। अध्यक्ष जी आगे बात कर अध्यक्ष जी तिरंगा झंडा किसी ने घर से लेके जाया करते हैं हरियाणा में जमा करवा रहे हैं आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है भाई साहब देखिए पत्रकार महोदय ये तो जग जाहिर है आज कितनी भारी संख्या में इंद्री विधानसभा के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और बड़े जज्बे के साथ जोश के साथ सबसे मुख्य भाग जो है वो हमारे विधानसभा के जो किसान और तिरंगा यात्रा में इतना बढ़ चढ़ कर भाग मैं भी किसान का बेटा हूँ और हमारे गांव से भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए। आप देखते टारगेट तो था हमारा 3000 का लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर 10000 के आसपास लोग आए हैं। इतनी भारी संख्या में लोग
मतलब के ये देश के प्रति तिरंगा जो हमारा सम्मान का प्रतीक है, शहीदों के प्रति जो हमारा सम्मान है उसके प्रति इतना जज्बा देखते ही बनता है लोगों का, उसका उसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के समूचे कार्यकर्ताओं का और सबसे ज़्यादा अपने विधायक जी का, हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान गोरसा जी का, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का अपनी तरफ से, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए ऐसा कार्यक्रम करने से लोगों को हमारा तिरंगा है, ये तिरंगा वापिस करके जाएगा, जो हमारे शहीद है यही तिरंगा वापिस करके जाएगा। तिरंगा का देशभक्ति की जज्बा जो हमारे अंदर है उसको उजागर करना, बहुत से साथी जो है बहुत कार्यकर्ता जाकर मोटिवेट करते हैं, जैसे आज हमने गांव गांव में जहां पर शहीद की प्रतिमा बनी हुई थी वहां पर साफ सफाई करके उनको बहुत अच्छा माल्यार्पण किया, शहीद के परिवार है वहाँ पर जाकर सम्मानित किया, साथ ही उनको यहाँ बुलाकर सम्मान दिया। जैसे पूरे देश में संदेश जाता है, पूरे प्रदेश में, पूरे विधानसभा में, पूरे क्षेत्र में संदेश गया कि हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी ये तिरंगा यात्रा बहुत सफल हुई, हजारों की संख्या में इसने देशभक्तों ने शिरकत की, बहनों ने शिरकत की, पूरे शासन के साथ आपने इस तिरंगा यात्रा को निकालने का काम किया। इसके लिए मैं अपने पूरा वर्ष श्री वृंदन आनंद भी अपने देश प्रेमियों का यहाँ पर तिरंगा यात्रा में चयन करने हर गांव से लोग बढ़ कर क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं, ये तो हमारे शहीदों का सम्मान करने के लिए बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी शहीदों को जो जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनके सम्मान में जो आज यात्रा की, इस यात्रा में आने वाले सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिटायर्ड का इंजीनियर सभी कार्यकर्ताओं का मंडल अध्यक्षों का और हमारे मध्य योगेंद्र राय जी जिला अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष आए, उनका संजय भाटिया जी अपना पूरा समय निकाल कर आए और हमारे नेता रामकुमार कश्यप जी का सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी देशभक्तों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।